कोई दूसरा कोई नहीं बोलते हैं, इनका पापा बोलते हैं दोस्तों। मतलब अपने नहीं करेंगे, मर जाएंगे वो मंजूर है, लेकिन न झूठ बोलेंगे न गलत काम नहीं करेंगे। जैसे हम लोग गरीब हैं वैसे मौका का फायदा उठाया वो लोग, ठीक है, और वैसे अभी भी उठा रहे होते हैं। और घमंड जो है वो चूर हो जाता है, लेकिन उनका घमंड अभी भी चूर नहीं हुआ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों देखिए आरती जब यहाँ पर बैठी हुई है, और देखिए बहुत आदमी बोल रहे थे ना दोस्तों हम लोगों को कि आरती जी मतलब खाली जो है बीमार बीमार नौटंगी करते हैं। तो देखिए हम ये नहीं बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं, उनका मुंह जैसे हैं वैसे बोल रहे हैं। फिलहाल देखिए आरती जी अभी सही है तो हम सही तरह वीडियो बना रहे हैं, है कि नहीं, अभी वो भी आप लोग की दुआ से सही है। हाँ वो भी आप लोग दुआ किए तो सही है। कल का भी वीडियो देखे होंगे, कल भी पूजा कर रही थी, तबीयत सही रहते हैं तो तबीयत सही का वीडियो बनाते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे नौटंगी करके और झूठ बोल कर, कुछ मिलेगा, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। बोलते हैं कि मतलब कभी तुरंत बीमार हो जाती, तुरंत अच्छी है, नहीं दोस्तों ऐसा, ये सब नौटंगी बाज है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जब जैसे रहते हैं उस तरह का आप लोग ब्लॉग में दिखाते हैं जी। तो दोस्तों आज हम लोग ऐसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो कि आप लोग को बुरा लगेगा, बुरा लगेगा तो मुझे क्षमा कर दीजिए, बुरा उनको लगेगा जो मतलब उस टाइप का रहते हैं दोस्तों। जिस टॉपिक पर हम बोल रहे हैं ना, जब आप लोग को बुरा लगेंगे तो हम आप लोग सभी ही क्षमा मांगते हैं, आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और लेकिन एक बात आप लोग से बोलते हैं दोस्तों, आप लोग जरूर देखिएगा मेरे वीडियो को, और जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने हमारे फैंस हैं, जितने हमारे दोस्त लोग देखते हैं हमको चाहने वाले हम लोग को, तो दोस्तों आप भी लोग बताइएगा कॉमेंट करके, और आप लोग जरूर बताइए कि हम लोग कहाँ गलत, हम लोग का कहाँ गलत वीडियो देखे हैं, क्या कोई भी ऐसा वीडियो होगा कि जो गलत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, हाँ आरती दीदी मनु भैया आप यहाँ पे गलत वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो बोलते हैं ना, तो हमें बहुत दिक्कत होती है कि जब हम गलत वीडियो बनाते ही नहीं है तो हमें इस तरह का क्यों सुनने को पड़ रहा है। और ये बात और कोई दूसरा कोई नहीं बोलते हैं, इनका पापा बोलते हैं दोस्तों। मतलब अपने शो नहीं बोलने आते हैं, किसी दूसरे के द्वारा बुलवाते हैं, मतलब कि वो तो हमारे द्वार पे नहीं आते हैं तो नहीं होता है, कोई मतलब दूसरा होता है ना रिलेशन का तो उसी को भेजते हैं। तो उस रोज आए थे, मतलब बोल लेते कि आरती जी दिल मतलब वीडियो बनाना आप छोड़ दीजिए। दोस्तों ऐसे तो हम क्यों छोड़ेंगे, आज देखिए दोस्तों आप लोग इतना प्यार दुलार दिए और इतना आगे बढ़ाए हैं, आज छोड़ देंगे तो कहीं का रहेंगे, हमको 2 रुपए देने के लिए कौन आएगा। सलाह देने के लिए सब आते हैं कि आप छोड़ दीजिए, लेकिन कोई भी मुसीबत पड़ते हैं, कोई भी जरूरत पड़ते हैं तो कोई 1 रुपया लेके सहारा नहीं। आज जो है इतना बड़ा, एक तो इनका पप्पा जो है घटना कर दिया है, हैं ऊपर से बोलते हैं वीडियो बना रहे हैं, तो भाई गलती किया वो तभी तो वीडियो में आई, वही तो नहीं तो आते दोस्तों, आप लोग खुद बताइए कमेंट करके, नहीं तो आती, हम लोग को तो पता भी नहीं था दोस्तों कि वीडियो क्या होता है ना। वही ना, अगर आप गलती नहीं करते तो क्या हम लोग आज लेकिन पे भी नहीं आते, हम लोग का इस आदमी को होता है ना कि इतना मतलब गलती करते हैं तो आदमी को एहसास होते हैं, और घमंड जो है वो चूर हो जाता है, लेकिन उनका घमंड अभी भी चूर नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो कि कमेंट किए हैं, आप लोग मनु भैया घबराइए मत, आप लोग के हम साथ हैं, अब उनका जो है ना घमंड चूर चूर भगवान कर देगा। बात तो सही बोले हैं, जो समझदार लोग हैं, जो सोचते हैं, जो हम लोग को अच्छे से पहचानते हैं, अच्छे से जानते हैं, देखिए गहराई देखे है ना वो समझते कोई भी हैं। दोस्तों अच्छा लोग जो होते हैं ना, अच्छा लोग कहीं पहचानते, जो गंदे टाइप के होते तो गंदा को ही पहचानेंगे ना, उनको कभी ऐसा हुआ ही नहीं अच्छा आदमी क्या होता है। जिसकी नजर जैसी रहती है वो उसी, हाँ ये बात सही है, नजर जिस निगाहों से देखेंगे उसी नजर उसी तरह होगा। अगर आप अच्छे निगाहों से देखिएगा तो आपको अच्छे लगेंगे, अगर जो खराब निगाह से देखिएगा तो आपको खराब लगेंगे। लेकिन यही सब बात बोलने से आदमी जो है खराब हो जाते हैं, बोलते हैं कि आपका आवाज चल जाएगी, बहुत सारी बात आप इस तरह नहीं। वैसे तो हम धीरे धीरे हर एक वीडियो में आप लोग देखते ही होंगे, हर एक वीडियो में शेयर करते हैं, आते हैं जब जो चीज भी होते हैं आप लोग से हम जरूर शेयर करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग के घर में कोई नौटंगी होता है, कोई फालतू के बात बोलते हैं, नहीं दोस्तों, जिस रोज कोई बात नहीं होती उस रोज हम लोग वीडियो ही नहीं बनाते हैं, क्या बात सही है। किसी रोज आप लोग देखते होंगे कि उस रोज हम लोग का चैनल पे वीडियो चढ़ता ही नहीं है, जब जो चीज होता है, जो कुछ होता है, जो जिस तरह का घटना होता है
उस तरह का वीडियो बनाते, लेकिन शाम को जो है एक ब्लॉग डालेंगे, आप उस ब्लॉग में देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो है पप्पा नहीं है, घर पे गए हैं, छोटू के केस के सिलसिले में गए हैं, मतलब कोर्ट गए हैं, ठीक है, वहाँ से आएंगे ना, फिर आप लोग को तब आप लोगों को अपडेट मिला, फिर आप लोग को आज दिखाएंगे। ऐसे और कोई मत सोचेगा कि व्यू पाने के लिए इस तरह का डाल ले दोस्तों, नहीं दोस्तों, आप लोग को बहुत हमारे दर्शक हैं कि जो जानने चाहते हैं कि आखिर केस में क्या अपडेट आया, नहीं आप लोग बहुत मतलब बोले थे कि आरती भूल जाएंगे आप, मन्नू भी भूल जाएगा, उनका पूरा फैमिली भूल जाएगा शादी करके, तो छोटू को छोड़ दिया, ये वो बहुत बात है ना, कि शादी किए तो हम लड़ाई, भाई भाई का नहीं हुआ, ये वो बहुत बात बोलने लगा दोस्तों, लेकिन उनको जो ये बोलते हैं ना, हमको बहुत मतलब चोट पहुंचता है कि भाई भाई का नहीं हुआ, और उनको ये समझ में नहीं आता, भगवान उनको दिमाग नहीं दिया है कि भाई भाई का कैसे नहीं हुआ, हैं कैसे नहीं हुआ भाई भाई का दोस्तों, आज भाई भाई का नहीं होते सपोज में, इनको हम घर में नहीं रखते तो उनका केस का क्या होता, कोई सोल्यूशन निकलता उनका केस का? नुनू कोई नहीं निकलता, अभी देखिए वो रुपये पे बाहर आ गए हैं, नहीं तो यही अगर जब हम लोग के पास रुपये रहता, आज हम लोग भी उसके जैसे रहते, तो इस तरह का घटना होते ही नहीं और होता, निकलता ही नहीं, जो गरीब थे ना इसलिए कि इस तरह का घटना हो गया। देखिए आज जब जैसे हम लोग गरीब हैं वैसे मौका का फायदा उठाया वो लोग, ठीक है, और वैसे अभी भी उठा रहे हैं, तब कि इनके पास ना बुद्धि है ना बल है ना पैसा है ना धन, नहीं कोई तो इसीलिए ना, इसीलिए बल नहीं बोलते हैं, ना बुद्धि ना बल, तो इसीलिए ना किसी आदमी को भेज देते हैं, दो चार को बात बोल के चल जाते, नहीं तो दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोग के घर जाएगा कोई बोलने के लिए तो आप लोग क्या कीजिएगा? कोई किसी को नहीं छोड़ता, क्या कीजिएगा पहले बताइएगा, आप लोग कमेंट करके छोड़िएगा आप लोग, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग किसी के ऊपर आज तक हाथ नहीं उठाए हैं, नहीं गलत काम किए हैं, नहीं करेंगे, मर तो जाएंगे वो मंजूर है, लेकिन न झूठ बोलेंगे न गलत काम नहीं करेंगे, इसलिए अभी भी हमारे बहुत दोस्त लोग साथ हैं कि जो कि बोलते हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा, भगवान करेगा, जो सच्चाई पे है तब ना बोल रहे हैं, वही अगर जो नहीं रहते तो थोड़ी कोई साथ देते हैं, क्या बताएं, यही सब मतलब टेंशन था, और अभी तो धीरे धीरे देखिए, अगर जब मतलब जीत हो जाएगा तब तो टेंशन कुछ ना कुछ कम हो जाए, लेकिन हाँ जब तक बाहर रहेंगे ना तब तक टेंशन रहेगा, जब तक इनका पापा लोग बाहर रहेंगे, क्योंकि बाहर रहने से आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, लेकिन जब गलती किए थे तब तो उनको एहसास नहीं, अभी जब अभी नहीं हो रहा गलती करके तो उसको तभी क्या होता, सोचने वाली बात है, जब अभी वो घमंड में चल रहे हैं, होता ना है कि चलिए जो हुआ सो हुआ है, अब उनका घमंड थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन ना है, पूरा घमंड में ही चलते हैं, मतलब जहाँ भी देखते हैं ऐसे करके उंगली बता के चलेंगे, ऐसे ऐसे करके लगता है बॉस चलता है, एक ठो जो मतलब मर्डर कर दिया है ना उनको, अभी तक कुछ जो हुआ नहीं है, इसीलिए 2 साल हो गए, हम यही न्यायालय से कहेंगे दोस्तों, उनको जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करें, क्योंकि 2 साल हो गया है, 2 साल में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, हम लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, हम न्यायालय ही जो करेंगे करेंगे, हम लोग के हाथ में है नहीं, है ना, तो चलिए खैर कोई नहीं, शाम को आएंगे तो आप लोगों को फिर दिखाएंगे, क्योंकि वो बात जो बोल के गए हैं ना पापा लोग, तो तभी नहीं बना पाए, क्योंकि जल्दीबाजी में 8:30 बजे निकल गया ना सुबह में, इसीलिए, तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को नेक्स्ट ब्लॉग में।